सभी जानते हैं कि रेसलमेनिया की नाइट 2 का मेन इवेंट रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर एक बहुत बड़ा मैच है, लेकिन गाइस इस मैच के अंदर जो एक स्टिपुलेशन है वो ऐड हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद एक और बड़ी चीज़ इस मैच में ऐड हो सकती जो कि डेफिनेटली बहुत कमाल की चीज़ साबित हो सकती। तो कौन सी ये स्टिपुलेशन है इसके बारे में इस बात करने वाले हैं वीडियो के अंदर। साथ ही में विंस मैन भी अपना रेसलिंग में रिटर्न करने वाले हैं और लेसनर का गाइस अपने अपोनेंट आ चुके हैं सामने जो कि कौन उनको मेडिसन स्क्वायर गार्डन में फेस करेगा। तो गाइस वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और गाइस पहले ही हम लोग शुरुआत करते हैं मनी इन द बैंक की अपडेट के साथ में। और गाइस WWE मनी इन द बैंक को ऐसा कंसिडर करने वाली है, ऐसा पेपर जो मतलब अब से नज़रों में देख रही है कि ये WWE के टॉप 4 मेजर पेपर व्यू में से ये एक हो और इसका 5th नंबर पर हो। आपको पता है गाइस रेसलमेनिया, रॉयल रंबल, सर्वाइवल सीरीज और समर स्लैम ये 4 मेजर टॉप पेपर व्यूज होते हैं और उसके अंदर अब मे बी हमें मनी द बैंक भी WWE ऐड करती हुई दिखाई दे सकती। तो लेट्स सी, लेकिन देखते कैसा होता है साल 2022 का मनी द बैंक। और गाइस हम लोग बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। और गाइस कोडी रोड्स क्यों गाइस स्पॉट किए गए थे जेदा के अराउंड, तो गाइस इसके ऊपर अपडेट आई है। और गाइस वो परफॉर्मेंस सेंटर के लेने आए थे, वो एलिमिनेशन चेंबर के बैक स्टेज पर नहीं थे, वो अपने फ्रेंड के यहाँ पर गए थे डिनर के लिए, उसका बर्थडे मनाने के लिए। तो गाइस ये इसके पीछे रीज़न है। और फाइटफुल सेलेक्ट ने इसके ऊपर कंफर्म अपडेट दिए कि कोडी रोड्स पिछले शनिवार को एलिमिनेशन चेंबर के यहाँ पर नहीं थे, वो गाइस किसी काम से बर्थडे के लिए अपने फ्रेंड के घर पर गए थे। तो ये कुछ चीज़ें मुझे लगा आपके साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। और गाइस हम लोग बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। और ब्रॉक लेसनर के अपोनेंट गाइस मे बी गाइस इनमें से हो सकते हैं। तो गाइस लैशली तो गाइस आने नहीं वाले, तो लेसनर को WWE चैंपियनशिप को डिफेंड करना है मेडिसन स्क्वायर गार्डन के शो पर। तो गाइस मे बी अपनी जिमी या फिर जे, इन दोनों में से एक उसो हमें फेस करता हुआ दिखाई दे सकता है लेसनर का। और गाइस पॉल हेमन ने कहा था कि मैं एक तुम्हारे लिए अपोनेंट लाने वाला हूँ और वो तो चैंपियन बनेगा ही। और गाइस मे बी हमें उसोज में से कोई एक उसो हमें ब्रॉक लेसनर का मे भी फेस करते हुए दिखाई दे सकता है। और गाइज ये मैच हो सकता है मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एक गाइज WWE चैंपियनशिप का मैच। तो अभी फिलहाल एक मैच, छोटा सा स्पेकुलेशन है, तो लेट्स सी क्या चीज सच होती। लेकिन गाइज अपने रेसलमेनिया के अंदर आएंगे WWE के बॉस चेयरमैन विंस मैकमैन एक मैच के लिए, और ये मैच होगा उनका और पैट मैकाफी का। और पैट मैकाफी के शो के ऊपर आने वाले गाइज अपने जो विंस मैकमैन है। और गाइज मे बी गाइज इसके बाद वो हमें एक रेसलमेनिया के मैच के अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं, और मे बी वो हो सकता है पैट मैकाफी के साथ में। और पैट मैकाफी गाइज रेसलमेनिया में एक रेसलिंग रोल करने वाले हैं। और गाइज मे बी गाइज इसके अंदर वो विंस मैकमैन के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो लेट्स सी क्या ये चीज़ें सच होती है या फिर नहीं, और लेट्स सी क्या चीज़ें होती है। लेकिन गाइज अब हम लोग बात करते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट के बारे में। और गाइज रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के रेसलमेनिया के मेन इवेंट के विनर टेक्स ऑल के टाइटल यूनिफिकेशन मैच में एक बड़ी स्टिपुलेशन ऐड हो सकती है। और गाइस ये मैच सिर्फ इतना ही नहीं, मे बी गाइस हो सकता है एक स्टील केज मैच। तो अभी कुछ छोटी सी एकदम छोटी सी स्पेकुलेशन आई है और उसके अकॉर्डिंग मे बी इसके अंदर स्टील केज वाली स्टिपुलेशन ऐड हो सकती है। वो नहीं हुई तो नॉर्मल से एक नो डिस्क्वालिफिकेशन या फिर अनसैंक्शन मैच या फिर ऐसी कोई स्टिपुलेशन ऐड हो सकती है। लेकिन वो होती तो वो स्मैकडाउन की दिनी होती, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन लेट्स सी, छोटे से भी स्पेकुलेशन है तो लेट्स सी। लेकिन इसका मतलब इतना भी आप होप मत रख लेना कि ये मैच होगा ही होगा। लेकिन गाइज आज की हमारी ये वाली वीडियो बस इतनी सी थी। लेकिन हाँ गाइज, आज चैनल पर रेसलमेनिया 38 की मैच कॉल प्रेडिक्शन वीडियो आने वाली है। नाइट टू नाइट वन ऐसा डिवाइड नहीं किया, सारे मैचेस एक ही वीडियो में हैं, तो उसको देख लेना, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें उसके अंदर, तो उसे ज़रूर देखना। और गाइस आज की हमारी वीडियो बस इतनी सी थी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, मर्चेंडाइज परचेस करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज की वीडियो बस इतनी सी थी, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।